Assalamualaikum aspirants, Nayab is here. I hope you are in good health. Number of aspirants were asking about screening test. I would advise you people not to get worried. कोई बात नहीं इंशाल्लाह ताला, जब आप सी एस एस जैसे बहुत बड़े एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, इतने डिफिकल्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव पोर्शन को कवर करना भी आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होता, बिकॉज यू नो कि एस्पिरेंट इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, तो इसलिए परेशान होने की कोई बात नहीं है. आई वुड एडवाइज यू पीपल टू गो थ्रू प्रेसी पेपर, ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऑफ द प्रेसी पेपर. जब आप एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को तैयार कर रहे हैं, तो आप ये भी कोशिश करें कि इसके साथ साथ आप ग्रामर के जो बाकी पार्ट्स हैं उन्हें भी प्रिपेयर करें, जैसे एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, इसके अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जेरंड है, पार्टिसिपल है, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. अगर इंग्लिश का पोर्शन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे बेस करता हुआ, तो वो तो आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन वैसे ही तैयार हो जाएगा ना, आपके लिए तो आसान हो जाएगा इंग्लिश पार्ट को कवर करना. लेकिन अगर उन्होंने ग्रामर का अदर, मतलब ग्रामर के अदर पार्ट्स भी इसमें ऐड किए, तो उस पोर्शन के लिए भी आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. और डेफिनेटली सिर्फ इंग्लिश में अच्छा परफॉर्म करके यू कैन टेक 33 मार्क्स. अगर आपको लगता है कि नहीं, इंग्लिश पे इतनी तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं, और उसके साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स को भी इक्वली आपने जो है वो टैकल करना है, तो फिर मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि कारवां की बुक्स भी देखिए. कारवां की बुक्स में ऑब्जेक्टिव पोर्शन को बहुत अच्छा कवर किया होता है. मैंने जब भी ऑब्जेक्टिव सी एस एस में, तो मैंने ऑब्जेक्टिव पोर्शन ऐसे तैयार किया ही था, लेकिन अगर मैं स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए या रीअपेयर होने के लिए कभी सिलेक्शन करूँगी, तो मैं कारवां की बुक्स जो है वो आप लोगों को सजेस्ट करती हूँ. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम तैयार कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन को. मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को उन सारी वेबसाइट्स के बारे में भी थोड़ा थोड़ा ब्रीफ करूँ. इस्लामियात के पेपर में यूजुअली ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत आसान होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है कि वो कोई बड़े मुश्किल या कम्प्लेक्स किस्म के एमसीक्यूज दे. उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगी कि हाफिज़ करीम दार चुगताई की किताब है, उसे एक दफ़ा रिव्यू कर लें. इसके साथ साथ आपके मैट्रिक में या फिर ग्रेजुएशन में इस्लामियात कंपल्सरी की जो बुक होती है, उसके लास्ट जो पेजेस होते हैं उन पर इस्लामियात के एमसीक्यूज दिए होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आसान होते हैं. और मेरा ख्याल है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं होगा. होप फॉर द बेस्ट कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा. इसके अलावा जनरल साइंस एंड एबिलिटी के जो एम सी क्यूज हैं, वो तो आपको ऑलरेडी आप प्रिपेयर करते हो. हाँ, लेकिन जनरल साइंस एंड एबिलिटी को तैयार करने के लिए ये मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप साइंस के सारे पार्ट्स को कवर करो. उसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि एफ पी एस सी की वेबसाइट पर जनरल साइंस एंड एबिलिटी का जो सिलेबस दिया गया है उसके हर टॉपिक को आप प्रॉपरली प्रिपेयर करिए. फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंटल का पोर्शन है, तो उससे रिलेटेड जितने भी एम सी क्यूज हैं आप उन्हें प्रिपेयर करें. अगर आपको लगता है कंप्यूटर का पोर्शन है, बायोलॉजी का पोर्शन है, और आपने किसी पोर्शन को स्किप किया है, तो अब आपको स्क्रीन टेस्ट के लिए एडवाइस करूँगी कि आप उसका ऑब्जेक्टिव पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार करें. ना सिर्फ आपको ये स्क्रीनिंग टेस्ट में गुजरने में मदद देगा, बल्कि जब आपका सी एस एस का ऑब्जेक्टिव पोर्शन आपके सामने आएगा, तो वो आपके लिए चाइल्ड्स प्ले होगा, बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के लिए तो आपको पता है कि डेली हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट डॉट कॉम है, ये भी एक बहुत अच्छी वेबसाइट है. बाकी भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो करंट अफेयर्स के लिए काम कर रही हैं. करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको डेली तैयार करना होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स, मुझे लगता है कि करंट अफेयर्स एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए कोई किताब सफिशेंट नहीं है, इसलिए आपको उसे डेली तैयार करना होगा. अगर मैं बात करूँ जनरल साइंस एंड एबिलिटी के अलावा पाकिस्तान अफेयर्स की, एग्जैक्टली पाकिस्तान अफेयर्स में आप कोशिश करें कि मैट्रिक की, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की जो बुक्स हैं, आप वहाँ से पाकिस्तान अफेयर्स को तैयार करें. और वो एम सी क्यूज इतने आसान हैं कि मुझे लगता है कि कोई भी शख्स, कोई भी एस्पिरेंट जो थोड़ी सी मेहनत करने का आदी हो, वो उन्हें बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लेगा. जैसे कोई सुलेमानी, इनकी रेंजेस, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये सारी के सारी इन बुक्स पे कवर की होती है, खास तौर पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की. मैंने आपको सजेशन दिए इतनी काफ़ी हैं.
अगर इस पर और ज़्यादा डिटेल से बात करनी होगी तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं एक और वीडियो बना दूँ. आज के लिए मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.